नमस्कार दोस्तों, टीएच एजुकेशन चैनल में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए दोबारा से एक नई ट्रिक लेकर आए हैं। इस ट्रिक को देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो जरूर देखे, क्योंकि वह वीडियो इससे रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है 7, 7 को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, और मल्टीप्लाई करने पर आएगा 84। ठीक है, अब 84 के इस तरह से फैक्टर बनाने होंगे हमको। देखिए, यह तो 7 और 3 का लेंगे यानी कि 21 आएगा, और 2 टू 4 और माइनस 21 माइनस 4 सॉल्व करने पर होगा माइनस 25, माइनस 21 माइनस 4 मल्टीप्लाई करने पर होगा 84। तो ये फैक्टर करेक्ट है। अब x इक्वल में साइन अपोजिट करेंगे 21 हो जाएगा, x साइन अपोजिट करेंगे 4 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 7 था, 7 से इसको दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस डिवाइड करने पर इधर काटने पर 3 आ जाएगा और इधर आएगा 4/7। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5। ठीक है, तो ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 21 से, माइनस 105 आएगा। अब इसके फैक्टर बनाने होंगे। ठीक है, देखते हैं फैक्टर कैसे। ठीक है, इस तरीके से फैक्टर होगा। अब ये 7 और 3, 7 और 3 हो जाएगा 21। ठीक है, इसके दो फैक्टर बनाएंगे 21 और 5। ठीक है, अब माइनस 21 और प्लस 5, क्योंकि माइनस 21 और प्लस 5 करने पर आएगा माइनस 16, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस 105। ठीक है, तो x इक्वल में 21 और x इक्वल में माइनस 5। ठीक है, अपोजिट साइन करते हैं ना, अब 5 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से x इक्वल हो जाएगा 21/5, और सेकंड हो जाएगा x इक्वल में माइनस 1। ये दो आंसर हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम, जिसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 30। ठीक है, तो 30 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा माइनस 15 से, तो आएगा 450। इसके फैक्टर बनाते हैं। देखिए, ठीक है, अब देखिए ये हो गया 25 और ये हो गया 18। ठीक है, तो 25 प्लस का होगा और माइनस 18 होगा, इन्हें सॉल्व करने पर आएगा 7। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस 450। तो x इक्वल में माइनस 25 और फिर होगा x इक्वल में प्लस 18। साइन अपोजिट करते हैं और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 30 था, 30 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने पर आएगा यहाँ पे माइनस 5/6, और x इसको 6 से डिवाइड करें तो 3 और 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे आंसर थे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।